चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम थोड़ा प्रीवियस में चले जाएंगे। हमने वहां पर क्या क्या देखा था, जो हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था उसमें क्या क्या देखा था हमने, बोलो। यस डियर, बोलो क्या क्या देखा था। हमारा बेसिक फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, सिक्स यस प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स देखे थे जो हमारे लाइफ से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। कौन से थे हमारे वो प्रिंसिपल, फिर एक बार रिक्रिएशन डाल दो वहां पर। कौन से थे? यस लिविंग बींग्स प्रोड्यूस न्यू वन फ्रॉम बर्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, डेथ एंड ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू। यस, और वहां पर रिप्रोडक्शन भी था। और एक हमारा लास्ट वाला कौन सा था, टैक्सोनॉमिकल एज। इवोल्यूशन? नहीं, बेसिक और प्रिंसिपल में कौन सा था, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था ना। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, हाँ लास्ट, उसके पहले एक कौन सा था, फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। यस। हाँ, फिर उस क्या पढ़े थे, टॉक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े थे। टॉक्सोनॉमिकल एड्स मीन्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन। या पूरे उसका एक ही मतलब था कि जो भी हमको चीज अगर ढूंढनी है तो हम कहाँ जाएंगे, उसको इधर उधर ढूंढते नहीं रहेंगे इधर उधर। अगर आगे जाके आगे के जनरेशन में अगर हमको कोई भी अगर चीज अगर पॉसिबल नहीं है जिसे हम देख सकते, तो उसको हम कहाँ देखने जाएंगे। जो हमने कुछ टॉक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े थे, फिर वो टॉक्सोनॉमिकल एड्स कौन से थे, फिर हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जू पार्क, म्यूजियम कीज। यस। पहला तो एक कौन सा था हमारा, हर्बेरियम था, जहां पर हम क्या करते हैं पूरे प्लांट्स की अगर हमको स्टडी करना है, जो कि कुछ ऐसे प्लांट जो लुप्त हुए हैं अगर उसकी स्टडी करना है तो हम कहाँ चले जाएंगे, हर्बेरियम चले जाएंगे। वही अगर हमको प्लांट के बारे में अगर वेरियस टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं इन आवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर प्लांट्स होते हैं उसको भी हम अगर स्टडी करना है हमको, तो हम कहाँ जाएंगे, बॉटनिकल गार्डन्स में जाएंगे। वही अगर प्लांट के अगर प्लांट एंड एनिमल का अगर क्या बोलेंगे इंटर रिलेशनशिप देखा जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, जूलॉजिकल पार्क में। यस एक तो हम अगर कॉमन पर्सन है तो उस जगह हम किस लिए जाएंगे, ओनली एंजॉयमेंट। अगर वही हम साइंटिस्ट थे या अदर कुछ हम क्या बोलते हैं स्टडी वाले हैं, स्टडी करते किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करने के लिए जाएंगे। ऐसे तीन हमारे ट्रेस थे। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल पार्क भी पढ़ा, बायोडायवर्सिटी पार्क भी पढ़ा था, जो कि एक फेमस बायोडायवर्सिटी पार्क था। वो कहाँ पर प्रेजेंट है, उत्तम राव पाटिल बायोडायवर्सिटी पार्क, जो किस में प्रेजेंट है, महाबलेश्वर में प्रेजेंट है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, की मीन्स क्या होता है, की भी एक क्या होता है, क्लासिफिकेशन, प्लांट्स एंड एनिमल का क्लासिफिकेशन करने के लिए एक टर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। ऐसी पूरी अगर फाइनली फाइनली जो अगर कंक्लूजन निकलता है तो वो क्या है, अगर हमारे आगे वाले कोई भी अगर जनरेशन होती है अगर उसको उस बारे में, हाँ ऐसे ऐसे हमारे टाइम में हम ऐसा ऐसा एक प्लांट था एनिमल था, अगर वो हमको उनको समझाना है या दिखाना है तो हम कहाँ लेके जाएंगे उसको, जो हमने टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े हैं वहां लेके जाके उनको दिखा सकते हैं। ऐसे हमने पढ़ा था, म्यूजियम भी पढ़ा था। उसके बाद आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो सेकंड चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का, कौन सा है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारा बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो हमको पता है हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, ओनली लिविंग थिंग्स किसकी करते हैं, जो कि जीवित है उसकी स्टडी करते हैं। अगर हमने वर्ल्ड वाइज ओवरऑल अगर बात की जाए तो वहां पर हमको नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखाई देते हैं और लिविंग थिंग्स भी दिखाई देते हैं। अगर हमने जो अगर नॉन लिविंग थिंग्स है एंड लिविंग थिंग्स है उसका हमने किसके बेसिस पर हमने डिफरेंशिएट किया था, अबायोटिक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर कहा था। तो
जिसके ऊपर जो हमारे हमने जो जनरल प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे, और जिस पर पूरे के पूरे लागू होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे फिर? लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग बोलेंगे? हाँ, जो हमारे पूरे प्रिंसिपल्स थे जिसके ऊपर एग्जैक्ट पूरे के पूरे छह के छह ही प्रिंसिपल उसके ऊपर लागू होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? लिविंग थिंग्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स. इसी के बेसिस पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर, हमारा सेकंड चैप्टर है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो पहले हम चलते हैं सिस्टमैटिक्स मीन्स क्या होता है. सिस्टमैटिक मीन्स क्या होता है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक एग्जांपल की वजह से आप मुझे समझाओ कि सिस्टमैटिक उसको कैसे क्या करेंगे आप. देखो देखो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स बोलते हैं. अगर मैंने आपको कहा कि जो मैंने आपको अल्फाबेट्स दिए हैं उसको प्रॉपर अरेंजमेंट करो, क्या करो? प्रॉपर अरेंजमेंट करो. तो आप उसको कैसे प्रॉपर अरेंजमेंट करोगे इसका? बी पहले कौन है? बी आएगा. यस. सेकंड कौन सा आएगा? सी डी. सी डी. हाँ सी डी. और क्यू? एम. एम. एम पी क्यू. एम P Q R R Y Z Y and Z R Y and Z. तो आप मुझे बताओ, आपको आपने जो मैंने ऐसे कुछ इधर उधर के ऐसे वर्ड लिखे थे या कुछ अल्फाबेट्स लिखे थे उसको आपने कैसे अरेंज किया? उसको प्रॉपर किया कि इनप्रॉपर किया? असेंडिंग ऑर्डर में, सीक्वेंस में, पूरे सीक्वेंस में. जैसे कि हमको पता है हमारा जो सीक्वेंस होता है अल्फाबेट का कैसे होता है, ए से लेकर झेड तक होता है, वैसे आपने क्या किया उसको अरेंज किया. क्या किया? अरेंज किया. अरेंज किया मींस क्या होता है? उसको सिस्टमैटिकली रखा. कैसे रखा? सिस्टमैटिकली रखा मींस मुझे बोलने का मतलब था कि जो इधर उधर के हम उसको ऐसे कैसे ही नहीं रख सकते, उसको कैसे ही नहीं रख सकते. अगर हमको लिविंग थिंग्स की अगर ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाई करना है, सिस्टमैटिक मींस नथिंग बट द क्लासिफिकेशन. क्या होता है? क्लासिफिकेशन. सिस्टमैटिक मींस क्लासिफिकेशन ही होता है, ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें क्या होना चाहिए, पूरा प्रॉपर होना चाहिए. प्रॉपर होना चाहिए जैसे छोटे से लेकर बड़े तक, जैसे छोटे से लेकर बड़े तक ऐसा जो सिस्टमैटिकली ऐसा अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपने उसको क्या किया? सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट किया. किसके बेसिस पर किया? हाँ हमको पता है क्योंकि हम अल्फाबेट पढ़े हुए हैं. अल्फाबेट कहाँ से चालू होते हैं? ए से चालू होता है और झेड तक जाके क्या होता है? हो जाता है, खत्म हो जाता है. उसी के आधार पर, उसी के आधार पर हमने क्या किया, जो हमने एग्जांपल पढ़ा था उसको हमने क्या किया? सिक्वेंशियली एंड सिस्टमैटिकली अरेंज. क्या किया? सिस्टमैटिकली अरेंज किया. तो मुझे बता, मैंने जो अभी इस एग्जांपल के बारे में आपको जो बोला वो उसका मीनिंग समझ में आ गया क्या? मुझे क्या बोलना है तो? हाँ सर. यस सर. अब देखो और एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ मैं आपको. पूरा आज हमको जो पढ़ना है ना, पूरा केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, किसमें? बायो में. चलो हाँ, अब मुझे बता, मैंने आपको कहा इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, तो क्या करोगे आप? 20102 4902 and 5030 किसकी वजह से किया? किसके बेसिस पर किया? क्योंकि हमको पता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पता है. क्या पता है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पता है, यानी कि हमको क्या पता है? नंबर भी पता है. क्या है? नंबर भी पता है. जब एक 20 है सबसे छोटा नंबर है, 20 है सबसे छोटा नंबर है. ऑब्वियसली अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो छोटे से लेकर किस तक जाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर तक, यानी कि बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक. इसीलिए हमने 20 फर्स्ट लिखा, 102 सेकंड लिखा, 4902 थर्ड लिखा और 5030 हमने क्या लिखा? फोर्थ लिखा. क्योंकि इसके प्रेजेंस पर, इन असेंडिंग ऑर्डर के प्रेजेंस पर, किसके ऊपर?
इन असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर। ऐसा ही जो पूरा क्लासिफिकेशन है सिस्टमेटिकली जो अरेंजमेंट होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। जो अरेंजमेंट होना चाहिए जो कई जो पूरे लिविंग वर्ल्ड में हमारे बहुत सारे ऐसे छोटे से लेकर बड़े तक, क्योंकि पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा ब्लू गोला है, नीला वाला गोला है, इस गोले के ऊपर बहुत सारे बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक से लेकर ह्यूज इतने सारे एनिमल्स है। लेकिन उस अगर मैंने बोला आपको चार पाए वाले है, तो चार पाए वाले सिर्फ एक ही एनिमल्स है क्या, है क्या? नहीं, हाँ नहीं है, उसमें भी बहुत सारे है, उसमें भी बहुत सारे है। अगर उसमें भी कहा जाए तो कुछ ऐसे एनिमल्स है जो ग्रास खाते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स है जो मीट खाते हैं। हाँ ऐसे भी है ना, हाँ। नहीं है, ऐसे भी है। और कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे है जो दोनों भी खाते हैं, है ऐसे भी एनिमल्स। हाँ तो हमने, हाँ ये हमने किसके डिफेंस पर किसके प्रेजेंस पर क्लासिफिकेशन किया, क्योंकि हमको पता है पूरे वर्ल्ड में हमारे बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसमें भी क्या है सिस्टमेटिकली। देखो अगर हमने एनिमल्स लिया इस एनिमल्स में भी क्या होते हैं, फोर पाए वाले होते हैं, फोर लेग वाले होते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं और टू लेग का ही यूज करते हैं, ऐसे भी एनिमल्स होते हैं। उसमें भी चार लेग वाले में भी क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के दिखाई देते हैं उसकी, उसकी फूड हैबिट को अगर लेकर जाए देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। तो चलते हैं सिस्टमैटिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखना चालू करते हैं। सिस्टमैटिक्स, देखो सिस्टमैटिक मींस क्या होता है, सिस्टमैटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ सर आप रुक गए इसमें क्या कहता है, सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ फाइंड एंड द डाइवर्सिटी, फाइंड एंड द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपेरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखो हमने डेफिनेशन लिख ली, इट इज अ सिस्टमैटिक्स क्या होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें क्या किया जाता है सिस्टमैटिक्स, आवाज कम करना, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें क्या किया जाता है, सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ काइंड ऑफ द डाइवर्सिटी, यानी कि पूरे हमारे डाइवर्सिटी, पूरे हमारे वर्ल्ड में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कंपेरेटिवली स्टडी किया जाता है। क्या किया जाता है कंपेरेटिवली, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्लांट एंड ह्यूमन बींग, हमको नीड है प्लांट की भी और प्लांट को भी नीड है हमारी, है ना, है कि नहीं, प्लांट को हमारी नीड है और हमारी किसको नीड है, प्लांट को नीड है, ऐसा कंपेरेटिव एक दूसरे के भरोसे रहना, और जो भी कंपेरेटिवनेस आता है वो किससे आता है, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे हमको पता है जब अगर हम वेल डेवलप ह्यूमन पर्सन है, वेल डेवलप
पर्सन है, उससे पहले हमारे और एंसेस्टर थे, उससे बदलत जाके हम क्या हुए, वेल डेवलप्ड ह्यूमन बींग बन गए, उसको क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। उसी ऐसे ही जो पूरे डाइवर्सिटी के, यानी कि जो हमारा पूरा डाइवर्स है उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कॉम्पेरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी जिसमें की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक इज नथिंग बट होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है, क्लासिफिकेशन। क्या होता है, क्लासिफिकेशन है, ऐसा ब्रांच होता है पूरे डाइवर्सिटी में जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसका कंपैरेटिवली स्टडी करना, किससे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से जहां पर हम जहां पर पूरा हम उसका स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक बोलते हैं। चलो ये फंडा समझ में आ गया, सिस्टमेटिक क्या होता है। यस सर। क्या पढ़ा, क्या बोलने वाला था, अरे मैं भूल गया। ओके, आएगा याद में तो बता दूंगा। चलो उसके बाद और एक टर्म है, उसके बाद और एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, हाँ, उससे पहले, टैक्सोनॉमी से पहले देखो, अगर आपको आपने नाइन्थ क्लास में फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ा है, अब हमने क्लास स्टार्ट, हमने जब बेसिक बेसिक पढ़े तभी भी हमने फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ा है, पढ़ा है। हाँ, यस सर। देखो टैक्सोनॉमी पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कंपैरेटिवली एंड। हाँ बोलिए, काटना पड़ेगा। नहीं नहीं, काटो मत उसको, काटो मत, आप काटो मत, आप काटो मत, मैंने इसलिए काट दिया उसको। काटा क्या? हो, अरे यार, उसको ही आगे लेके जाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता था मैं, उसके बाद उसको ही लेने वाला था। ओके रहने, तो कुछ नहीं होता, डोंट वरी। चलो, हाँ, हमने जहां पर फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ा था वहां पर हमने किंगडम प्लांटी पढ़ा था, मैंने आपको बोला था किंगडम प्लांटी पढ़ा था ना, किंगडम प्लांटी। थोड़ा सा कुछ मैंने बोल दिया था उसके बारे में। तो देखो ये जो किंगडम प्लांटी है, इट इज डिवाइडेड इनटू, हमको नेक्स्ट वाला चैप्टर किंगडम प्लांटी ही है, तो थोड़ा उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वही कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा इवोल्यूशन होते गया उसके बारे में हम देख रहे हैं। हाँ, तो देखो किंगडम प्लांटी, इट इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू फाइव क्लास। तो पहला हमारा होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मीन्स क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्गी। क्या बोलते हैं, अल्गी। दूसरा हमारा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है हमारा टेरिडोफाइटा, फोर्थ होता है हमारा जिम्नोस्पर्म, एंड फिफ्थ होता है हमारा एंजियोस्पर्म। कौन सा होता है, एंजियोस्पर्म होता है। देखो जो मैंने आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो हमको एक वर्ड आया था ना उससे, उसकी तरफ में लेके चल रहा हूँ। देखो जैसे जैसे आप अल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक जाओगे ना, वहां तक आपको बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। कारण क्योंकि जब हमारा उसको जैसे हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाते हैं, आगे आगे, जैसे हम केजी वन में थे, केजी टू में थे, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में, अभी हम ट्वेल्थ में आ गए, इलेवंथ में आ गए, ऐसे जो ऐसे कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, यानी कि कुछ हमारे टप्पे टप्पे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टप्पे टप्पे से हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हम इवोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन, क्योंकि हमारे हमारे इसमें भी क्या होता है, वो इवोल्यूशन होता है। देखो ये अल्गी जो होता है ना, वो प्रॉपर प्लांट नहीं होता, प्रॉपर प्लांट नहीं होता ये अल्गी, इतना छोटा भी होता है। कुछ कुछ अल्गी होती है जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो माइक्रो मल्टीसेल्यूलर होते हैं। तो इसमें आप क्या नहीं कर सकते, जो देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इसको क्या बोलते हैं, प्रिमेटिव प्लांट बोलते हैं, प्रिमेटिव प्लांट। और ये जो दो होते हैं ना, इसको एडवांस प्लांट बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म
एंजियोस्पर्म। प्रिमिटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमको पता है अगर हम हमारे आंखों के सामने अगर प्लांट का स्ट्रक्चर आ जाता है, एक पेड़ का स्ट्रक्चर आ जाता है, तो उसमें क्या क्या देखने को हमको मिलता है रे फिजिकली? अगर एक पेड़ है, पेड़ का स्ट्रक्चर अगर हमारे सामने आ जाता है, तो हम अपने आंखों से उस पेड़ के ऊपर क्या क्या देखते हैं? चिड़िया, प्लांट की हाँ, ब्रांचेस हाँ। फिर चिड़िया कहाँ से आती बात पर? देखो अगर हमारे सामने एक पेड़ है तो पेड़ के ऊपर हम क्या क्या देखते हैं? नेचुरली हम देखते हैं क्या देखते हैं, उसकी स्टेम देखते हैं, उसकी ब्रांचेस देखते हैं, लीव्स देखते हैं, फ्लावर लगते हैं तो फ्लावर देखते हैं, और या फ्रूट लगते हैं तो फ्रूट देखते हैं। इतनी हम उस पर क्या देखते हैं, चीजें देखते हैं। तो वही जहां पर पूरा ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है उसको हम क्या बोलेंगे, एडवांस प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवांस प्लांट बोलेंगे। और उन चीजों से जो भी चीजें मिलती नहीं हमको, अच्छे से देखने को मिलती नहीं है, जो प्रॉपर नहीं होती, प्रॉपर यानी कि ट्रू नहीं होती, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमेटिव प्लांट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिमेटिव प्लांट्स बोलेंगे। अगर अल्गी को आपको कहा जाए ना, उसमें आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि उसका स्टेम है, लीफ है या लीव्स है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ब्रायोफाइटा में सेम चीज है। लेकिन देखो आपने एक कहावत सुनी होगी, ना घर का ना घाट का, बताए आपको? एक कहावत सुनी होगी आपने, ना घर का ना घाट का, बताए क्या? हाँ सर। हाँ देखो, ना घर का ना घाट का मेरे मनने का मतलब क्या था, ये जो टेरिडोफाइटा होता है ना, इसको मोस्ट प्रिमेटिव प्लांट कहा जाता है। मोस्ट प्रिमेटिव प्लांट कहा जाता है क्योंकि जो ये टेरिडोफाइटा है, इससे ही क्या होते हैं, एडवांस प्लांट होने, एडवांस प्लांट की तरफ क्या होते हैं हम फ्लो होते हैं, एडवांस प्लांट बनने की तरफ क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। जो हमारा ये टेरिडोफाइटा होता है, वो ना कि हम इसको नॉट ऑफ प्रिमेटिव प्लांट बोल सकते हैं, ना उसको एडवांस प्लांट बोल सकते हैं। मिडल वाला देखो, अगर दो भाई है, दो भाई के झगड़े होते हैं और बहन बीच में आती है और दोनों से प्यार करती है, सिस्टर है दोनों से प्यार करती है, तो दोष कौन देगा? वो भी क्या बोलता है, इसको देता है दोष, और वो भी किसको देता है, इसको दोष देता है। यानी कि ये जो सिस्टर होती है दोनों को संभालती है, तो बिचारी वो क्या होती है, ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। तू सांग, तू जर खोट बोल, तू जर माझ्या सोबत खोट जर बोली, तो तू पा हा म्हणतो आणि हा पण तसाच म्हणतो, मग ही काय करायची? म्हणून हिची सिच्युएशन अशी होते का, ही काहीच सांगत नाही, म्हणजे ना घरची पण राहत ना ती घाटची। म्हणून मला असं म्हणायचं होतं की ना घर का ना घाट का, समज में आया मेरा बोलने का मीन क्या था? यस यस। तो इससे थोड़े थोड़े जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तब से आपको यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखाई देता, यहाँ पर भी आपको स्टेम ब्रांचेस लीव्स नहीं दिखाई देता, लेकिन ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, जो प्रॉपर ट्रू नहीं होते। यहाँ पर टेरिडोफाइटा में पूरे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ वेसल्स जो होती है हमारे, हमको पता है प्लांट को, प्लांट के अंदर कौन से वेसल्स होती है पता है आपको? जैसे हमारे, हमको अगर खाना, हमारे अगर बॉडी में अगर हमको ब्लड का फ्लो करना है, तो हमारे बॉडी में क्या होती है? वेसल्स होती है, वेन्स एंड आर्टरीज होती है। वो क्या करती है हमारे, इससे हार्ट में से पूरा ब्लड हमारे बॉडी तक पहुंचाते हैं। वैसे कुछ जो वेसल्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, वाटर एंड न्यूट्रिशन का प्लांट के बॉडी में, हाँ प्लांट के बॉडी में जो प्रोवाइड करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिशन, तो ऐसे जो कुछ जो उसको हम क्या बोलते हैं, झाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं। वो टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उसके लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं, जो पूरे प्रॉपर जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में दिखाई देते हैं। वही अगर जिम्नोस्पर्म की बात की जाए, तो इसमें क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते। वो भी जब हम फ्लावरिंग प्लांट कहाँ पर होंगे, जहां पर सीड एंड फ्लावर बनेंगे, तो कौन से प्लांट होंगे हमारे, एंजियोस्पर्म। देखो यहाँ से पूरा इवोल्यूशन होते चला गया, कुछ नहीं दिखे, थोड़े दिखे, कुछ इसमें अब्सेंट था, इसमें कुछ अब्सेंट था, इसमें पूरा प्रेजेंट था, ऐसा पूरा इवोल्यूशन। समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया। हाँ, ना घर का ना घाट का, ये तो सबसे ज्यादा समझ में आ गया होगा, बीच वाला बंदर। हाँ, बीच वाला बंदर। चलो जो हमारी नेक्स्ट थी, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी।
सर अब लिखे ना? हाँ हाँ लिख सकते हैं, टैक्सोनॉमी। हाँ हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टैक्सोनॉमिकल एड्स, इट इज आल्सो टैक्सोनॉमी, उसको क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मींस क्या, क्लासिफिकेशन। उसमें भी हमने क्या किया था, क्लासिफाई किया था, जैसा हर्बेरियम है तो पूरे उसको प्लांट वाले पूरे जो भी स्पेसिमेन थे वहां पर रखे थे, म्यूजियम था तो उसमें प्लांट प्लस एनिमल के जो डेड वाले थे वो वाले रखे थे, ऐसे। टैक्सोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन, ये भी एक क्लासिफिकेशन होता है। देखो उसको क्या होता है, टैक्सोनॉमी means classification. Taxonomy means classification following in certain rules and principles. देखो टैक्सोनॉमी ये भी एक क्लासिफिकेशन का ही एक क्या बोलते हैं उसको टाइप है, क्लासिफिकेशन का ही टाइप है। इसमें क्या किया जाता है, फॉलोइंग सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल, एक रूल्स एंड प्रिंसिपल लागू होते हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल लागू होते हैं। जब देखो हमने क्या पढ़ा था, हर्बेरियम पढ़ा था, हर्बेरियम में क्या था, हमने क्या किए थे, कुछ प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ चीजों को कलेक्ट किया था, उसके बाद उसके रूल के अकॉर्डिंग टू मैंने बोला था, जैसा फर्स्ट फाइलम है, अगर कोई चीज छोटी होती है तो उसको हम फर्स्ट में रखेंगे, जो सबसे बड़ी होंगी वो क्या होगी, सबसे लास्ट में होगी, सबसे लास्ट में होगी। वही रूल्स इसमें वही रूल्स और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें लागू होते हैं, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। देखो प्रिंसिपल्स हमने क्या पढ़ा था, वहां पर मैं गया, मैंने आम का एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं ब्रांच लेके आया, उसको मैंने ड्राई किया, फिर उसको प्रेस करके रखा, फिर उसको प्रिजर्व किया, उसके बाद मैंने क्या लिखा, राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखी थी, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी थी। यू नो आपको पता है कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. मैंने बोला था यहाँ पर हम ऐसे ऐसे लगा लेंगे, इस साइड में हमको लिखना पड़ता है, यू नो। अरे बाबा हाँ किनारे, हाँ यस, हाँ जो भी हम देखो प्रिंसिपल्स, यानी कि हमने पूरा कलेक्शन कर दिया। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में हमने कुछ उसकी इंफॉर्मेशन निकाली थी, लिखी थी, वो किसके बेसिस पर, क्योंकि उसका एक रूल है। अगर मैंने ऐसे ही उसको रख दिया तो आगे वाली पीढ़ी को या हमको कुछ किसी कोई अगर पर्सन जाता है और उस फाइल को खोलता है तो उसको पता चलेगा क्या कि ये वही चीज का प्लांट है करके। इसलिए उसको नाम जो भी डेट या सब कुछ जो भी देना था वो हमने सब दे दिया था। इसलिए टैक्सोनॉमी मींस क्लासिफिकेशन का ही एक टाइप होता है, जिसमें क्या किया जाता है, फॉलोइंग सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल, फॉलोइंग स्पेलिंग क्या लिख दिया रे, फॉलोइंग सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जहां पर कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स क्या करते करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। जो हमारा टैक्सोनॉमी होता है ना, टैक्सोनॉमी होता है वो टू वर्ड से बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। किससे बना हुआ होता है, टू वर्ड से बना हुआ होता है, एक है हमारा टैक्सिस एंड सेकंड है हमारा नॉमस। जो हमारा टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो टू टाइप का बना हुआ है, एक होता है हमारा टैक्सिस एंड दूसरा होता है हमारा नॉमस। टैक्सिस मीन होता है अरेंजमेंट एंड नॉमस मीन्स होता है लॉ और रूल, लॉ और रूल्स। यानी कि जो भी हम कोई भी अगर उसको क्लासिफाई करना है तो उसको प्रॉपर अरेंजमेंट से, किसके बेसिस पर, लॉ एंड रूल्स। जिसका अगर रूल है, जैसे हमने फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ा था, वहां पर कैसे पढ़ा था, पहला पढ़ने का है लेकिन मैंने आपको फाइव किंगडम सिस्टम थोड़ा सा पढ़ा लिया था बेसिक, इसमें
पहले हमारा मोनेरा था, उसके बाद प्रोटिस्टा था, तीसरा फंजा था, एंड हमारा कौन सा था, प्लांटिया एंड एनिमालिया था। यानी कि पूरा छोटे से लेकर बड़े तक ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट जहाँ पर हमने देखा था, और कुछ उसके रूल्स के, उसके कुछ रूल्स थे, उसके बेसिस पर ही उसको हमने क्या किया था, क्लासिफाई कर दिया था। इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। चलो, टैक्सोनॉमी समझ में आ गया क्या, आ गया समझ में? थोड़ा लिख लिया सभी ने, ये क्लियर कर दो, क्लियर कर दो इसको। यस सर। ओके, चलो आगे की तरफ। कुछ नहीं, कुछ चिल्लर चिल्लर, यू नो चिल्लर, सभी को पता है, एक रुपया दो रुपया जो हमारे चिल्लर होते ना, ये वैसे चिल्लर चिल्लर है, ऐसे ही चिल्लर चिल्लर है। हमको अगर आगे बढ़ना है तो चिल्लर से ही हमको शुरुआत करनी पड़ती है किसी भी चीज की। हम जब छोटे थे तो हमको मम्मी एक रुपया देती थी, अभी हमको 100 रुपया देती है, अभी हमको 100 रुपया देती है। क्योंकि क्यों हमको 100 रुपया देती है, क्योंकि हमको मंचूरियन खाना होता है, अभी बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी चल रही है ना, मंचूरियन खाना होता है इसलिए। चलो, क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज द क्लासिफिकेशन, एक टर्म भी होती है क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, पूरा क्लासिफाई कर देते हैं। तो चलते हैं इस मीनिंग की तरफ। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिस्टिंग कैटेगरीज, categories, distinct categories of for terms with in accordance with well established plan. देखो, क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ऐसा जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका अरेंजमेंट, और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि क्या हो, सिंगली हो या ग्रुप में हो, सिंगली हो या ग्रुप में हो, इन अ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ द अकॉर्डिंग टू द वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान। उसको क्या करना पड़ता है, जो अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल हो या पूरे ग्रुप में हो, अगर हमको उसको इकट्ठा सिस्टमेटिकली अगर अरेंजमेंट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको कैटेगरीज वाइज क्या करना पड़ेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज उसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वैसे ही हमको पता है, मैंने अगर आपको एक जगह छोड़ दिया, अगर मान लो मैंने किसी एक कमरे में आपको छोड़ दिया, और मैंने आपको बोला कि उसकी उस कमरे में जो भी चीजें रखी हुई है उसको क्या करो, अरेंज करो प्रॉपर कैटेगरी वाइज, प्रॉपर करो कैटेगरी वाइज। जैसे हमारे देखो, हमारा जो कॉलेज होता है, अभी तो आप कॉलेज में चले गए, क्या बात है, कॉलेज की लाइफ जीने वाले। अभी देखो, अगर हम कॉलेज में जाते हैं या हम किसी स्कूल में होते हैं, तो वहां पर भी हमको कैटेगरीज देखने को मिलती है। यानी कि अगर 10 क्लास है, अभी आप 10 में थे, हाँ 10A है, 10B है, ऐसे होती है, डिविजन्स होते है कि नहीं, होती है ना बाबा? Yes, sir. हाँ, ऐसे डिविजन्स होती है ना, उसको अच्छा मान लो मैं जब 10th में था तो मेरे इसमें फुल इंग्लिश नहीं था, आप सब होंगे शायद फुल इंग्लिश वाले, हमारे इसमें फुल इंग्लिश नहीं था, सेमी इंग्लिश था। तो हमारे क्लास के टाइप कैसे थे, क्लास ए सेमी इंग्लिश, क्लास 10B सेमी इंग्लिश, क्लास 10C सेमी इंग्लिश, उसके बाद भी जो 3 अभी ABCD ए मराठी मीडियम, सी ABCDE ए बी मराठी मीडियम, यानी एफ, ऐसे 3 क्लास, ऐसे जो कैटेगरीज जो पूरे
फर्स्ट वाले है वो पूरे सेमी इंग्लिश और जो लास्ट वाले है वो पूरे मराठी मीडियम, पूरे मराठी मीडियम। ऐसा जो कैटेगरी वाइज उसको क्या करना पड़ता है, हमको अरेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अरेंजमेंट करना पड़ता है। वही फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर टेंथ स्टैंडर्ड तक, उसमें भी क्या है, कुछ सेमी इंग्लिश है कुछ मराठी मीडियम, कुछ सेमी इंग्लिश है कुछ मराठी मीडियम। ऐसे जो हम प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। यू नो मेरे बोलने का मतलब आपको समझ में आया? मेरी इधर की लाइन चली गई क्योंकि अभी बारिश चल रही है। मुझे जो बोलना था वो आपको समझ गया क्या? यस सर। हाँ, आपने डेफिनेशन लिखी क्लासिफिकेशन की? हाँ लिखी। यस यस सर। कि नहीं लिखी? एक बार मैं अपने मुंह से बोल दूं। लिखी। ओके, अभी तो लाइट चली गई, सिर्फ मैं ही आपको ब्लैक ब्लैक दिखूंगा क्योंकि मैं अभी भूत बन गया, मैं भी भूत बन गया। तो देखो ऐसे होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन। जब हम आगे आगे इस चैप्टर में आगे आगे जाएंगे ना, आपको पूरा समझ में आएगा कि हमने ये पूरा पोचाड़ा क्यों लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इसके ही बेसिस पर जो हमारे रूल्स बनते हैं एंड पूरा सिस्टमेटिकली पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है वो पूरा इसी के बेसिस पर होता है। क्या होता है? इसी के बेसिस पर होता है। हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एक क्लासिफिकेशन होता है ना, देयर आर थ्री टाइप, लिख लो वहां पर THERE, देयर आर थ्री टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। There are three type of classification. First होता है हमारा artificial classification. Second होता है हमारा natural classification. And third होता है हमारा phylogenetic. देखो जो क्लासिफिकेशन होता है, देयर आर थ्री टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। लिख लिया ये जो मैंने बोला था वो? यस डियर, लिखा क्या? क्लासिफिकेशन के नीचे ही लिखना है। अरे बाबा, हा कि ना रे, क्यों रे ऐसे मुख्य हो जाते हो रे तुम? लिखा सर। लिखा सर। सभी ने लिखा? हाँ, फिर अब मुझे बताओ, मैं थोड़ा अभी उसको नहीं लेता, थोड़ा मैं जनरल बात करना चाहूंगा। अगर आर्टिफिशियल अगर माने तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मैनमेड। यस, मैनमेड। जो किसने क्लासिफाई किया होगा? मैन ने क्लासिफाई किया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। अगर कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो कैसी होती है? मैनमेड होती है या नेचुरल होती है? क्या होती है? नेचुरल या मैनमेड होती है। उसको मैनमेड अगर कहते हैं तो उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं।